एक ऐतिहासिक दौरे का आज दूसरा दिन है। बांग्लादेश से भारत के रिश्ते गहरे हो रहे हैं, सहयोग की नई दिशाएं निकल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे की पूरी अपडेट सबसे पहले टॉप 9 बंगबंधु में। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री श्री जशोरेश्वरी काली मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। ये मंदिर सतखेड़ा के ईश्वरीपुर गांव में है। मोदी तजगांव कंटेनमेंट से हेलीकॉप्टर से ढाका से 300 किलोमीटर दूर बने इस मंदिर में जाएंगे। करीब 10 बजे काली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से तुंगीपाड़ा पहुंचेंगे। तुंगीपाड़ा में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगी। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्री बंगबंधु स्मारक जाएंगे। वहां से एक बार फिर पीएम हेलीकॉप्टर से गोपालगंज के ओराकंडी जाएंगे। मोदी ओराकंडी में मतुआ समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ स्थल ठाकुरबाड़ी में दर्शन करेंगे और करीब 300 मतुआ धर्म प्रचारकों को संबोधित करेंगे। आज दोपहर बाद करीब 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के दफ्तर में दोनों देशों के आपसी संबंधों पर बातचीत करेंगे। 2 घंटों की इस मुलाकात में कई समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंग भवन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल बांग्लादेश की आजादी की गोल्डन जुबली समारोह में पहुंचे नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री ने उनकी बेटियों प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी छोटी बहन रेहाना को सौंपा। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के लोगों को अपने जीवन से जुड़ी एक बेहद अहम जानकारी दी। मोदी ने बताया कि वो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष में शामिल थे। पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरे जीवन के पहले आंदोलनों में से एक था। मोदी के मुताबिक तब उनकी उम्र 20 से 22 साल की थी और उन्होंने कई साथियों के साथ बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था। ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर से अपने भाषण के दौरान पीएम ने इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की आज़ादी में भारत के योगदान पर कहा कि इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सबको पता है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम इतिहास को नई दिशा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश और भारत की साझे विरासत का जिक्र किया और कहा कि हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं और हमारी चुनौतियां भी साझी हैं। पीएम ने बांग्लादेश से बेहद आत्मीय जुड़ाव की खूब चर्चा की। जब ढाका में हमार बांग्लादेश गीत बज रहा था तो मोदी मेज पर थाप देते नजर आए। विकास और व्यापार में बांग्लादेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करने के साथ साथ पीएम ने दोनों देशों के सामने मौजूद आतंकवाद के एक जैसे खतरे का जिक्र किया। इशारा साफ तौर से पाकिस्तान की ओर था। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं, वो अब भी सक्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमिन ने कहा है कि दोनों देशों की दोस्ती मिसाल देने लायक है। मोमिन ने कहा कि हमें एक साथ मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के देशों के बीच छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हम बातचीत से इनका समाधान भी निकाल सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।